हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कैन इंडिया में। दोस्तों, आज हम जॉब न्यूज़ लेके आए हैं। वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन केंद्र कॉन्ट्रैक्ट बेस पर स्टेनोग्राफर की भर्ती है, उसके बारे में है। उससे पहले बता देते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के अंदर स्टेनो टाइपिस्ट की भर्ती निकली हुई है, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज के अंदर। उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला बोर्ड है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर स्टेनोग्राफर की भर्ती हो रही है, जिसमें स्टेनो टाइपिस्ट की 17 पोस्ट है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो पंचकुला है, उसी के अंदर ये पोस्ट है। और जो मिनिमम इसका पे स्केल है, वो 8100 रुपये फिक्स है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती है। फिलहाल इसके अंदर प्लस टू मांग रखी है फर्स्ट डिवीज़न के साथ, या फिर ग्रेजुएशन हो, या तो मान लो फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए प्लस टू के अंदर, या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और प्लस टू के साथ में जो एक्स सर्विस मैन है, उनके लिए अलग से दे रखी है 15 ईयर इन सर्विस, 15 साल तक की जिन्होंने कर रखी है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड है 80 की स्पीड पर वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और इसमें 15 वर्ड पर मिनट मिस्टेक है, शुड नॉट बी एक्सेंट 8% तक चल सकती है इसके अंदर। और जो हिंदी है, इसमें 64 वर्ड पर सेकंड के हिसाब से दे रखी है शॉर्ट हैंड के अंदर, 11 वर्ड पर मिनट एंड मिस्टेक। और हिंदी संस्कृत का इसको ज्ञान होना चाहिए कैंडिडेट को। 17 ईयर से 42 ईयर्स तक इसकी एज लिमिट है। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती है, इसकी पोस्ट कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। जनरल में 7 पोस्ट है, एससी में 3, बीसीए के लिए 2 पोस्ट और बीसीबी के लिए 1 पोस्ट है। एक्स सर्विस मैन की 2 पोस्ट दे रखी है, और ईबीपीजी कैंडिडेट है उनके लिए 2 पोस्ट दे रखी है। यानी टोटल 17 पोस्ट है स्टेनोग्राफर की हरियाणा पंचकुला बोर्ड के अंदर। इसमें पोस्ट जो अलग अलग है, ईबीपीजी कैटेगरी है उसके लिए इसमें दे रखा है कि जो 21 फरवरी 2018 को नोटिस होगा, उसके अनुसार इसको सिलेक्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट को बोर्ड सेक्रेटरी के अनुसार। और इसकी जो टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट चेक करना है, वो 17 अप्रैल 2018 दे रखी है। जो कैंडिडेट फार्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो ऑफलाइन फार्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, वो ध्यानपूर्वक से पढ़ लें कि आप इसके एलिजिबल है या नहीं। सारी डिटेल पढ़ने के बाद ही अप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करें। ये वैकेंसी अभी आई है, इसका जो अभी फार्म भरने का टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन फार्म अब भरे जा रहे हैं। फार्म को ऑनलाइन ऑफलाइन भरने के बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं इसको पंचकुला बोर्ड के अंदर। अगर इस के बारे में आप कोई और जानकारी चाहते हैं, तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करें, हम जल्दी आपको रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद।